डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं आप, पिछले क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ रहे थे। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों प्रोटीन। हम लोग स्पेशल आज पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है, कि आखिर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का संरचना कैसे होता है, प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं और भी तरह तरह की कई चीजें, ठीक है। तो टॉपिक बनाया जाए हम लोग प्रोटीन। ये एक जैव अणु यानी कि बायो मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में हम लोगों का टॉपिक्स है, जिसका नाम है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको उसके नीचे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा, फर्स्ट एरो लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, जब किसी कार्बनिक यौगिकों में 10 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, 10 से अधिक एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं, वे प्रोटीन कहलाते हैं, वे प्रोटीन कहलाते हैं। अब सबसे पहले समझना चाहिए हम लोगों को कि आखिर प्रोटीन कहते किसको है। तो प्रोटीन का मतलब होता है एमिनो अम्ल। दोस्तों, जो भी चीजें हम खाते पीते हैं तो हमारा शरीर में जब पाचन की क्रिया होती है, ठीक है, तो पाचन की क्रिया के दौरान भोजन से हमें यानी कि शरीर को एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, और वही एमिनो अम्ल की संख्या जब 10 हो जाती है, 10 हो जाती है, तब वह एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो याद रखना है इस बात का कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन उसे कहते हैं जिसमें एमिनो अम्ल के 10 इकाई होते हों, 10 यूनिट होते हों, 10 एमिनो अम्ल जुड़ते हों, तब प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जरा बात कर लेते हैं कि सर एमिनो अम्ल क्या है। तो एमिनो अम्ल के बारे में जानने के लिए हम लोग उसके बारे में फार्मूला को ऐड कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि एमिनो अम्ल क्या है। तो एमिनो अम्ल का जो फार्मूला होता है, एमिनो अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NH2 gives, यहां हो जाता है NH एंड इससे R एंड COOH। ये देखिए हम लोगों का एमिनो अम्ल का फार्मूला है, CH होता है, NH नहीं, CH। और ये R का मतलब तो आपको पता है, कार्बन का चैन, यानी कि इधर कितना भी कार्बन का चैन जुड़ा रहेगा, बेसिकली हम लोगों को NH2, CH और COOH रहता है, ऊपर में R यानी कि चैन ऑफ कार्बन, कार्बन का चैन CH2, CH3, CH2, CH3 ऐसे करके ऐड होता रहेगा कितना भी R। अब यहां पे R को हम लोग ऐड कर देते हैं, चले जाते हैं वो ऐसे ही R को ऐड करते करते। तो याद रखिएगा कि ये हम लोगों का एमिनो अम्ल है, और जब इसकी संख्या आपस में 10 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां मेरे अकॉर्डिंग एमिनो अम्ल के बारे में जानना चाहिए। तो याद रखिए एमिनो अम्ल, यही एमिनो अम्ल का फार्मूला है, और ये एमिनो अम्ल होता कैसे है, बनता कैसे है, आता कैसे है, तो जो भी चीजें हम खाते पीते हैं उससे एक रस स्रावित होता है एमिनो अम्ल के फॉर्म में, और हम एमिनो अम्ल प्राप्त करते हैं, और वह एमिनो अम्ल की संख्या जब 10 हो जाती है तो जुड़कर प्रोटीन बनता है, और हम उसको बोल देते हैं प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जितना भी हम लोगों के लिए आवश्यक है। चलिए उसके नीचे थर्ड एरो देंगे, तीसरी पॉइंट्स लिखेंगे थर्ड एरो देकर, एमिनो अम्ल जो शरीर में
एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित होते हैं, जो शरीर में संश्लेषित होते हैं वे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, वे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते, वे अमीनो अम्ल जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते परंतु उन्हें भोजन में सम्मिलित करना आवश्यक है, कौमा इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है, इन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है। चलिए अभी हम लोग देखें कि प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनता कैसे है। तो प्रोटीन बनता कैसे है, जब हम लोगों को 10 एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तब हम लोगों को प्रोटीन बनता है। अब अगली बात ये कि एमिनो अम्ल का फार्मूला क्या। अब एमिनो अम्ल भी दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है अनावश्यक एमिनो अम्ल और एक होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। अब रहा बात कि किसको हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे और किसको आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे। तो अनावश्यक उसको कहा जाता है जो ऑलरेडी हमारे शरीर की क्रियाशीलता में बनाए जाते हैं, यानी कि जो शरीर में ऑटोमेटिक जो भी चीजें खाते पीते हैं उससे वो तो कहीं ना कहीं भोजन के लिए जरूरी है। यानी कि एमिनो अम्ल का जो बनना होता है वो दो तरीके से होता है, एक शरीर जो है खुद अपने आप से क्रिएट करती है और ये बहुत कम मात्रा में होती है, यानी कि 100% में 1-2% ही अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं, क्योंकि इतने कम मात्रा में शरीर की क्रिया द्वारा एमिनो अम्ल प्राप्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों 98-99% वैसे एमिनो अम्ल जो बाहर से, शरीर के बाहर से भोजन के माध्यम में या फिर कोई भी चीज पीते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं या पानी पीते हैं या भोजन खाते हैं, तो खान पान के द्वारा 98-99% एमिनो अम्ल शरीर को प्राप्त होता है। तो जब वैसे एमिनो अम्ल जो शरीर में खुद नहीं बनते हैं बल्कि बाहर से हमारे शरीर में आते हैं या प्रवेश करते हैं, उस एमिनो अम्ल को दोस्तों हम लोग कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर भोजन के माध्यम से आप नहीं ले पाएंगे एमिनो अम्ल तो वो फिर गड़बड़ है, हमारा शरीर फिर संतुलित में नहीं रहेगा, फिर तबियत बिगड़ने लगेगी, तबियत खराब हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां होने लगेगी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर किसको कहते हैं अनावश्यक। तो अनावश्यक उसे कहते हैं जो शरीर में खुद ऑलरेडी एमिनो अम्ल बनता है और जो शरीर के बाहर बनता है उसको हम लोग कहते हैं आवश्यक। शरीर के बाहर का मतलब भोजन के माध्यम से या फिर कोई और माध्यम से अगर बनता है तब हम उसको कहते हैं आवश्यक, ठीक है। चलिए इसको समझने के बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए मुख्य रूप से प्रोटीन दाल कॉमा मछली कॉमा पनीर
कॉमा मटर मटर कॉमा दूध में पाए जाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि प्रोटीन जो है कहां कहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मुख्य रूप से मछली पनीर मटर दूध और दाल में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है कहां कहां किस किस में पाया जाता है। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर में वृद्धि करना है। शरीर में वृद्धि करना है। याद रखिएगा सबसे पहले प्रोटीन का काम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रोटीन का काम है दोस्तों हमारे हाइट में इंक्रीज करना, हाइट को इंक्रीज करना, यानी कि जो हमारा हाइट है ना, ऊंचाई है, इस किसी किसी का लंब कद जो है छोटा होता है, जिसको हम लोग नाटा भी कह देते हैं, है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो या फिर चाइल्ड हो, बच्चा हो, अगर अपने हाइट में वृद्धि करना चाहते हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन किया कीजिए, ठीक है। और इसके लिए भी लिमिट है, आपकी हाइट अगर 25 साल के अंदर अंदर में, 22 से 25 साल के अंदर अंदर में अगर नहीं बढ़ती है तो 25 साल के बाद हाइट का बढ़ना रुक जाता है। समझ में आ रहा है, यानी कि आप हाइट में अपनी हाइट को ग्रोथ कर सकते हैं 10 से लेकर 20 से 22 साल तक हाइट में बहुत ज्यादा ग्रोथ आती है। उसके बाद 25 साल तक जैसे ही होगा, आपका एज 25 साल हो जाती है, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोटीन युक्त भोजन करने का सबसे बड़ा हमें फायदा क्या है, तो हाइट बढ़ाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ना बच्चों को जब भी घर में दाल बनाओ ना, तो उनको एक गिलास दाल जो है ऐसे ही उनको पिला दिया करो, क्योंकि उनकी हाइट में इंक्रीज होगी, उनकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब कि प्रोटीन का काम क्या है, तो प्रोटीन का काम बिल्कुल याद रखना है, हाइट में इंक्रीज करना, शरीर में वृद्धि करना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक अब की बार टॉपिक्स बनाएंगे प्रोटीन के प्रकार, यानी कि प्रोटीन के कितने प्रकार हैं, प्रोटीन के कितने टाइप्स हैं, है ना। तो चलो ये टॉपिक्स के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे प्रोटीन के मुख्यतः दो प्रकार हैं। पहला का नाम है रेसेदार प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा का नाम है गोलीय प्रोटीन। याद रखना है प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक का नाम है रेसेदार और दूसरा का नाम है गोलीय। ये दो अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रोटीन के, ठीक है। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटीन के जो दो प्रकार हैं, रेसेदार और गोलीय। अब ये दोनों प्रकार को हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट्स हम लोग देंगे, रेसेदार को पढ़ते हैं और फिर गोलीय प्रोटीन को पढ़ते हैं कि आखिर रेसेदार प्रोटीन कहते किसको हैं और फिर गोलीय प्रोटीन किसको कहते हैं। तो अब टॉपिक दिया जाए, हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब लिखा जाए रेसेदार प्रोटीन। अब रेसेदार प्रोटीन हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे और इस रेसेदार प्रोटीन को समझने के लिए उसके नीचे फर्स्ट एरो देकर रेसेदार के नीचे लिखा जाए जब पॉलीपेप्टाइड बंधन
पॉलीपेप्टाइड, कैसे लिखेंगे? पॉलीपेप्टाइड बंधन, जब पॉलीपेप्टाइड बंधन आपस में जुड़कर रेशेदार जैसी संरचना प्रदान करते हैं वे रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं, वे रेशेदार प्रोटीन कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग अभी क्या लिखे, रेशेदार प्रोटीन क्या है? देखो इसके लिए समझना पड़ेगा पहले एक बंधन को, जिसका नाम है दोस्तों पॉलीपेप्टाइड बंधन। नाम क्या है उसका? पॉलीपेप्टाइड बंधन। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या है, तो पॉलीपेप्टाइड के बारे में जानिए। हम लोग सीखे ना कि प्रोटीन क्या है भाई, तो प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल, 10 गो एमिनो अम्ल को जोड़ते हैं तब हम लोगों को मिलता है प्रोटीन। अब 10 गो एमिनो अम्ल को जोड़ते हैं ना, कैसे जोड़ेंगे? तो एक वो एमिनो अम्ल, ये माने एमिनो अम्ल, फिर दूसरा एमिनो अम्ल, तीसरा एमिनो अम्ल, ऐसे ही ना आपस में जोड़ते हैं। तो ये जितने भी एमिनो अम्ल है, जिस बंधन से जुड़ते हैं उस बंधन को दोस्तों कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड बंधन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीपेप्टाइड बंधन। ये भी हम लोगों को पॉलीपेप्टाइड बंधन हुआ, पॉलीपेप्टाइड बंधन। तो याद रखना है पॉलीपेप्टाइड बंधन किसको कहते हैं, जब एमिनो अम्ल को जोड़ा जाता है, तो जुड़ने वाला जो बंधन है ना, जो लिंक है, उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। और जैसे ही पॉलीपेप्टाइड बंधन जो होता है वो आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन का रचना करते हैं, उसकी रचना बिल्कुल रेशा के जैसा होता है। यानी कि रेशा, यानी देखे ना बाल, हम लोगों का बाल हम लोगों का कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये इस तरीके से अगर संरचना देता है तब हम इसको कहेंगे रेशेदार प्रोटीन। और दूसरा सबसे अहम बात कि ये जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं। अविलेय का मतलब घुलनशील नहीं होते हैं। एक होते हैं घुलनशील, यानी कि उसको कहा जाता है विलेय, विलेय मतलब घुल जाना, और एक होता है अविलेय, अविलेय का मतलब अघुलनशील। ठीक है, तो दूसरा एरो देकर ना लिखा जाए, ये मतलब कौन? रेशेदार प्रोटीन। ये जल में अविलेय होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं। फिर लास्ट में लिखा, नेक्स्ट एरो में लिखा जाए यह मतलब रेशेदार प्रोटीन, यह बाल कोमा त्वचा, और ऊन में पाया जाता है, देखिए अब रेशेदार प्रोटीन कहाँ कहाँ, हम लोगों का बाल है, बाल भी इस तरह का रेशा है, और ऊन देने वाले जंतु जैसे बकरियां, भेड़, ये सबसे ऊन प्राप्त किया जाता है, ये भी एक तरीके का रेशेदार प्रोटीन है। और हम लोगों का स्किन, चमड़ा, त्वचा, उसके ऊपर छोटे छोटे जो बाल दिख रहे ना, ये भी एक तरीके का रेशेदार प्रोटीन है। तो रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं? तो रेशेदार प्रोटीन बाल,
त्वचा और उनमें पाया जाता है। और सबसे पहले आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बाल में जो रेशेदार प्रोटीन पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है कीरोटीन। अगर कोई पूछेगा कि बाल जो है कौन सा प्रोटीन है तो हम बताएंगे कि रेशेदार प्रोटीन है, और उस रेशेदार प्रोटीन का नाम क्या है, उसका नाम है कीरोटीन रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लिख भी लीजिए। बाल में एरो देखकर लिख लीजिए, बाल में कीरोटीन नामक, कीरोटीन लिखने आएगा, कीरोटीन, कीरोटीन नामक रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग प्रोटीन के प्रकार को पढ़े, दो प्रकार के होते हैं रेशेदार एंड गोलीय। तो रेशेदार प्रोटीन को आज हम लोग पढ़े, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक्स गोलीय प्रोटीन को कि आखिर गोलीय प्रोटीन क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में गोलीय प्रोटीन टॉपिक के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।